Hello everyone. Today we will do class 12th accounts NPO. NPO ka practical problem 52. We have already done till 51 and today we will do 52. Okay, the page number is 1.75. The writer is T.S. Grewal. So what the question says, from the following receipt and payment account of Mumbai Theatre Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet at that date. ठीक है, income expenditure account बनाना है और balance sheet बनाना है. Receipt and payment account आपको दे रखा है सारी information और कुछ additional information भी दे रखी है. ठीक है, तो additional information क्या क्या है? Subscription से related है, इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है, मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट और बिलियर टेबल, ये इन चीजों. तो जैसे ही ये पांच चीजें आएंगी, आप पहले इनसे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर ही आप इनकी एंट्रीज करेंगे. ठीक है, और इसके अलावा किसी भी का भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं. तो पहले हम पेमेंट साइड से शुरू करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड लेंगे. ठीक है, पेमेंट साइड कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा. सबसे पहला क्या दिया है? सैलरी दिया है. ओके, सैलरी है 20,000, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधे आ जाएगा बाय सॉरी टू रिपेयर. सेकंड है रिपेयर एक्सपेंसेस, इसमें भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, अमाउंट है 5,000, सीधे सीधे 5,000. ठीक, फर्नीचर एसेट होता है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा, यहां पर नहीं आएगा. मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस, अभी तक ये सबको समझ आ गया होगा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या चीजें आती हैं. रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर आते हैं, रेकरिंग नेचर के जो एसेट होते हैं या जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर और इनकम है वो नहीं आता है इनकम एक्सपेंडिचर में, सिर्फ रेकरिंग नेचर के इनकम एक्सपेंडिचर आते हैं. तो मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 और मैंने बोला था इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, तो 5,000 की मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस का अमाउंट है, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं. थर्ड पॉइंट है मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 900, यानी 900 रुपीज एडवांस में मिसकेलेनियस के लिए पे कर दिया गया है. जहां से भी उनका रोज का खर्चा होता होगा, जिस भी शॉप से, वहां पर उन्होंने पहले 900 दे रखे हैं कि भाई ये मिसकेलेनियस जो भी छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे उसके हमने पहले ही तुम्हें दे दिए. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने 5,000 में से 900 आपका क्या है, प्रीपेड है. तो आप प्रीपेड को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो. ठीक है, ये ऑलरेडी पेड है तो इसे हमें इस एक्सपेंस में एड नहीं करना है. तो अब आपका मिसकेलेनियस कितना हो गया, 4,100. ठीक, क्लियर हो गई बात. इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आएगा आपका एक्सपेंडिचर में, इंश्योरेंस प्रीमियम. द अमाउंट इज 2,000 और इसके भी रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है 400 का. आउटस्टैंडिंग मतलब आपने 2,000 रुपए तो दे दिए हैं इसलिए ये पेमेंट में दिखा रहा है, और 400 आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी 400 देना बाकी है इसी साल का प्रीमियम हमें देना है लेकिन अभी वो नहीं दिया गया है, तो इसी साल के एक्सपेंडिचर में आ जाएगा वो भी. तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम को आप ऐड करोगे तो हो गया ये 2,400. ठीक है, बिलियर टेबल एसेट होता है इसलिए वो बैलेंस शीट में जाएगा. फिर है पेपर इंक एक्सेट्रा, ये छोटे मोटे कुछ खर्चे होंगे, पेपर आया, इंक आया, ये सब एक्सेट्रा, तो ये आप एक्सपेंडिचर में लोगे 1,500. ठीक, फिर है ड्रामा एक्सपेंसेस, तो ड्रामा के एक्सपेंसेस को भी आप लोगे. अगर ड्रामा से रिलेटेड कोई फंड दिया होता तो हम उसे अलग तरीके से ट्रीट करते, जैसे हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन में कर रखा है, इसके पहले वैसे क्वेश्चन आए हैं, पर यहां पर ड्रामा से रिलेटेड कोई फंड नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली उसे एक्सपेंडिचर में डालेंगे. ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात. अब हम आते हैं पेमेंट में, हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया. इसके बाद कैश बैलेंस है, तो कैश बैलेंस कहां जाता है, बैलेंस शीट में जाता है. अब हम रिसीट साइड में आते हैं.
रिसीट साइड में सबसे पहले कैश बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आएगा, उसके बाद है डोनेशन, तो हम डोनेशन डालेंगे। ये जनरल डोनेशन है, अगर कोई स्पेसिफिक फंड के लिए डोनेशन होता तो वो हम बैलेंस शीट में डालते, लेकिन जनरल डोनेशन को हम इनकम में दिखाते हैं 50,000। ठीक, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट तो होगा ही, तो हम उस एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 1,20,000। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सॉरी सब्सक्रिप्शन एंड अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 9,000, यानी जो करंट ईयर है उसका सब्सक्रिप्शन अभी अरियर में है, मतलब उतना 9,000 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी मिला नहीं है, अरियर है, मिलना बाकी है, मिलना बाकी है पैसा, लेकिन इसी साल का सब्सक्रिप्शन है, इसी साल का इनकम होगा वो, हम काउंट तो इसी साल का इनकम करेंगे उसे। ठीक है, भले भी मिला नहीं है, कुछ दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन वो किस साल के इनकम में दिखाया जाएगा, वो करंट ईयर के इनकम में दिखाया जाएगा, तो इसलिए जो अरियर सब्सक्रिप्शन है उसे हम एड करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर का इनकम है। ठीक है, 9,000 ये हो गया आपका 1,29,000। उसके बाद उसी लाइन में आगे लिखा है एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 3,500, और हमें इसी साल में अगले साल का एडवांस मिल गया है, हमें इसी साल में इसी पैसे में क्या हुआ, अगले साल का एडवांस मिल गया है 3,500। अगले साल का जो पैसा हमें मिला वो हम क्या करेंगे, वो हम निकाल देंगे, क्योंकि हम जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ करंट ईयर का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो एडवांस मिला है हमें नेक्स्ट ईयर का वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 3,500 विल बी सब्ट्रैक्टेड, 125,500। क्लियर हो गया, सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। इसके बाद है एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे सीधे आ जाएगा एंट्रेंस फी, कितना है 10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे भी रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, हम जरा देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 1,000, में जरा यहां लिख रही हूं। ठीक है, ये अमाउंट दिया है आपके रिसीट साइड में कि 1,000, मतलब 1,000 जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो था उसका 1,000 इंटरेस्ट तो हमें रिसीव हो चुका है, तभी वो रिसीट साइड में लिखा है, मतलब इतना पैसा तो हमारे खाते में आ चुका है, अकाउंट में मिल चुका है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हमने रिसीव कर लिया है। अब इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है, वो बोलता है कि 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months, 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था, इन्वेस्टमेंट आप एसेट साइड में देखेंगे 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया था, कितना 60,000 का। ठीक है, 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया था, इस पर बोला जा रहा है कि 8% इंटरेस्ट अक्रूड है, तो 8% इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब 8/100, और कितने मंथ्स का अक्रूड है, 5 months का, यानी 5/12। ठीक, 60,000 रुपीज पे 8% इंटरेस्ट अभी अक्रूड है, और कितने मंथ्स का, 5 months का अक्रूड है, अक्रूड मतलब ये इंटरेस्ट हमें मिलना है, करंट ईयर से रिलेटेड ही है, मिलना है बट अभी मिला नहीं है। ठीक है, इनकम ये करंट ईयर का ही है बट अभी मिला नहीं है, इतना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है लेकिन ये पैसा अभी अक्रूड है, मिला नहीं है। आई बात समझ में, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 12, 5, 60, 50, 45, 2,000। तो इन शॉर्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट 60,000 था उस पर आपको 1,000 मिल चुका है और 2,000 रुपीज अभी और मिलेगा, दैट इज अक्रूड। साफ साफ लिखा है ना कि ये पैसा अक्रूड है, मतलब ये पैसा अभी और मिलेगा। तो अब आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, मतलब जो इनकम में आप दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, एक तो 1,000 जो मिल चुका है वो इनकम है, भाई इन्वेस्टमेंट किया आपने उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम है। ठीक है, तो एक तो ये मिल चुका है और ये पैसा मिलेगा, करंट ईयर का ही है ना, तो करंट ईयर की इनकम में दिखाएंगे तो ये पैसा भी मिलेगा, यानी टोटल 3,000। आई बात समझ में, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 3,000। बस
इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, सब हम वैसे ही डालना है हमें, बाय इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला भाई, पैसे खाते में होंगे तो बैंक इंटरेस्ट देती है ना, वो आपका इनकम होता है, तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक कितना हो गया 4000। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचे गए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है 1500, और सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स, ठीक है दिस इज 10,500। तो हमने रिसीट साइड पे सारा कुछ एंटर कर लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से भी जो कुछ भी यहां पर एडजस्ट होने वाली थी वो हमने एडजस्ट कर दी है। तो अब हम चेक करेंगे कि डेफिशिएंसी आ रहा है या सरप्लस आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसका कैलकुलेशन जरा कर लीजिए, कितना आ रहा है टोटल, लेट अस डू इट क्विकली। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, इधर का टोटल हमने किया 2,04,000, एक्चुअली 2,04,500 है ना, ये 500 रह गया था, 2,04,500 ये टोटल है। ठीक, और डेबिट का टोटल आ रहा है 38,000, तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका सरप्लस आ रहा है 1,66,500। ठीक, क्लियर हो गया, 1,66,500 ये आपका सरप्लस आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्यों, क्योंकि हमें पता करना है कि भाई कैपिटल कितना था, कैपिटल तो दिया नहीं है तो हमें कैपिटल पता करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या डालेंगे हम, जो चीजें स्टार्टिंग में होंगी बस वही चीज डालेंगे। स्टार्टिंग में क्या क्या चीज थी, एक तो भाई साल के शुरुआत का आपका कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होता है, तो साल के शुरुआत का कैश एंड बैंक बैलेंस आप कहां पर दिखाओगे, एसेट में दिखाओगे, कितना 1,40,000। ठीक, एक ये, उसके बाद आपको सीधे कहां आना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और ये देखना है कि लास्ट ईयर से रिलेटेड या साल की शुरुआत से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या, तो आपको सिर्फ लास्ट पॉइंट दिया है बिलियर टेबल का। ठीक है, बिलियर टेबल कॉस्टिंग 3,00,000 वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वर पेड फॉर इट, तो बिलियर टेबल खरीदा गया कितने का, 3,00,000 का। ठीक है, 3,00,000 का बिलियर टेबल खरीदा गया पहली बार, और उसके लिए जो पेमेंट किया गया वो पूरा नहीं किया गया था, उसमें से खाली 2,20,000 पे किया गया था। तो ये लास्ट ईयर की बात है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, लास्ट ईयर के एंड में अगर कोई चीज हो रहा है तो साल के शुरुआत में वो आएगा, तो बिलियर टेबल कितने का होगा, बिलियर टेबल आपका कितने का खरीदा गया था लास्ट ईयर, 3,00,000 का। ठीक, और इसमें जो पेमेंट है वो नहीं किया गया पूरा, 2,20,000 तो पे कर दिया गया, 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, 80,000 क्या है, अभी पेमेंट करना बाकी, यानी आउटस्टैंडिंग है, और जब कोई चीज आउटस्टैंडिंग होती है तो क्या होता है, वो लायबिलिटी होता है, तो आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग आप इसको एक्सपेंस लिख सकते हो या बिलियर टेबल का पेमेंट लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर बिलियर टेबल कितना, 80,000, आपने 3,00,000 का खरीदा था जिसमें से दे दिया आपने 2,20,000 और 80,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, बस इतनी ही चीजें हैं, तो आप इतनी चीजों से आप ये आपने डाले, अब आपको क्या निकालना है, कैपिटल फंड निकालना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर ले 4,40,000, और इधर से माइनस करेंगे कितना 80,000, 80,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,60,000 आएगा, ये क्या हो गया कैपिटल फंड। ठीक है, क्या हो गया कैपिटल फंड, कितना हो गया 3,60,000, तो हमारा कैपिटल निकल गया। अब हम बनाएंगे एक्चुअल बैलेंस शीट जो हमें बनाना है, ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना था, और अब हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल फंड कितना निकला 3,60,000, इसमें क्या प्लस कर देंगे, सरप्लस जो हमारा निकला है, सरप्लस कितना है 1,66,500,
तो 1,66,500 को हम प्लस कर देंगे 5, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं, मेरे को ज्यादा कम पड़ रही है, या 5,26,12,526,500, ठीक है, 5,26,500 ही कैपिटल प्लस सरप्लस करके आ गया। अब और क्या चीजें जाएंगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में और कुछ जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम स्टार्ट कहां से करें, हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से। एसेट में पहले, सबसे पहले क्या है, आप देखिए जो पेमेंट में आपको मिलेगा एसेट की चीजें, पेमेंट किया गया होगा, वो सारा पैसा दिया गया होगा तो एसेट खरीदा गया होगा तो वो एसेट आएगा, ठीक है, आपको लाइन से देखते जाना है। पहला एसेट क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा एसेट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब बना के दिया जा रहा है, साल के एंड में, ये ओपनिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्नीचर कितना है 60,000, फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000, तो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है, और इसमें और क्या ऐड हो जाएगा, एसेट क्या है, हमेशा एसेट वो है जो पैसा अभी मिलना बाकी है, ठीक है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था इसमें से 1,000 रुपीज इंटरेस्ट तो मिल चुका है, तो ये आपने इधर इनकम में दिखा दिया है, लेकिन जो पैसा मिलना बाकी है ना वो आपका अभी यहाँ एसेट में भी आएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो आपने फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि एडजस्टमेंट की जो चीजें होती हैं वो हमेशा दो जगह जाती ही जाती है, मिनिमम दो जगह पर उनकी एंट्री होती है। तो जो अक्रूड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में लिखा है वो अक्रूड इंटरेस्ट एक बार हमने यहां पर दिखा दिया, और अब एक बार हम कहां दिखाएंगे, एसेट में दिखाएंगे, क्योंकि वो पैसा अभी हमारा मिलना बाकी है। तो 60,000 प्लस 2,000 टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 62,000, ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे 60,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 2,000, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बिलियर टेबल पे आते हैं, ठीक है, बिलियर टेबल में आपका अमाउंट कितना जाएगा, तो देखिए बिलियर टेबल लास्ट ईयर खरीदा गया था 3 लाख का, ठीक है, लास्ट ईयर खरीदा गया था 3 लाख का, और अभी इस वाले साल के पेमेंट में दिखा रहा है 80,000 शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था ना, तो यानी उन्होंने क्या किया, जो 80,000 आउटस्टैंडिंग था उसका पेमेंट कर दिया। तो अब आपके पास जो बिलियर टेबल एसेट बचा है, जो एसेट है वो कितने रुपए है, वो आपके पास पूरे 3 लाख का है। आपने पिछले साल खरीदा अगर कोई चीज तो ऐसा तो नहीं है साल खत्म हो गया जब तक यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो बेच दिया गया, तो खत्म तो नहीं हुआ, 3 लाख का आपने खरीदा था तो 3 लाख का वो बिलियर टेबल ये रहा, ठीक है, जो पैसा उसका ड्यू था वो भी पे कर दिया गया क्योंकि पेमेंट में बिलियर टेबल का लिखा हुआ है 80,000 दे दिया गया, ठीक है, बस। और इसके बाद कैश इन बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए, तो कैश इन बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है 98,500 है, ठीक, 98,500 हो गया। हमने एसेट साइड की लगभग सारी चीजें डाल ली हैं, अब हम एक बार देख लेते हैं और क्या बच रहा है। रिसीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या है। पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन इन अरियर, तो अभी मैंने बोला एडजस्टमेंट दो दो जगह जाता ही है, तो अब हम एडजस्टमेंट को एक जगह डाल चुके हैं, अब दूसरी जगह डालेंगे, ठीक है। अरियर जो सब्सक्रिप्शन है, यानी जो पैसा हमारा मिलना बाकी है करंट ईयर का, तो जो पैसा मिलना बाकी है वो क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अरियर वाला जो सब्सक्रिप्शन है, अरियर सब्सक्रिप्शन, वो आपका एसेट है कितना 9,000, फर्स्ट पॉइंट में ये, ठीक है। और जो एडवांस में मिल गया है सब्सक्रिप्शन 3,500, अब आपको कोई पैसा पहले ही मिल गया है, आपने भी उसकी सर्विस नहीं दी है, वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, 3,500 इज योर लायबिलिटी, ओके। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400, अब ये अगेन आपको ये प्रीमियम का पैसा देना बाकी है, अगर कोई पैसा देना बाकी है तो आपके लिए वो लायबिलिटी है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग इज लायबिलिटी फॉर यू, ठीक है, 400। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, अगर कोई पैसा आपने पहले ही दे दिया है
तो वो हमेशा क्या है आपके लिए एसेट है, तो प्रीपेड क्या होता है एसेट होता है, तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड इज एसेट, ठीक है प्रीपेड इज एसेट। कितना है ये अमाउंट, ये है 900। ओके आई होप हमने सारी चीजें डाली है ठीक से। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा लाइबिलिटी और एसेट्स मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है हम जल्दी से इसे चेक कर लेते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड मैच कर ले, ये आ रहा है 5,3400। तो हमारा जो ये लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है ये आ रहा है 5,3400। ठीक अब हम एसेट के टोटल पे आते हैं, बिल्कुल ठीक ये भी उतना ही आ रहा है, तो हमारा एसेट और लाइबिलिटी बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो ठीक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 52। चलिए थैंक यू।